हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी मॉडल ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखा था, फिर उसका वोल्टेज रेगुलेशन देखा था, फेजर डायग्राम बनाया था, एप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन देखा था, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन देखा था, और उसके बाद कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देखा था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जैसा कि मैं बताया था आपको, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन होना, लेंथ ऑफ द लाइन होना चाहिए वो लेस देन 80 किलोमीटर होना चाहिए, 450 हर्ट्ज, याद रखना 450 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। तो उसी हिसाब से जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कैटेगराइज किया गया है वो 80 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग, आप देखे होंगे, पैरेलल ब्रांच को हम लोग निग्लेक्ट कर रहे थे क्योंकि उसका जो इफेक्ट था बहुत कम दिखता था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, इसलिए हम लोग उसको निग्लेक्ट कर दिए। लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, कैपेसिटेंस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 80 से 200 किलोमीटर में, और इस कैपेसिटेंस का इफेक्ट आपका ट्रांसमिशन लाइन में दिखेगा। लेकिन 200 किलोमीटर से कम है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, तो हम इसको लंप्ड नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और लंप्ड नेटवर्क में कन्वर्ट करके ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप का एक्चुअल मॉडल तो बहुत ज्यादा है, 3-4 मॉडल होता है, लेकिन चार मॉडल हम लोग फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। ये चूंकि क्रैश कोर्स है तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपको क्या क्या पैरामीटर याद रखना है। तो यहां पर दो मॉडल मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज द टी मॉडल एंड सेकेंड वन इज द पाई मॉडल। तो दोनों मॉडल को हम लोग इसमें डिटेल एनालिसिस करके एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे और कुछ इफेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं दैट इज टी मॉडल। टी मॉडल में हम क्या करते हैं, आपको पता है कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, आर, एल और सी। अब चूंकि यहां पैरेलल है तो पैरेलल में आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो है दैट इज जेड और ये क्या होता है वाई, अगर हम एडमिटेंस की बात करें तो इसको हम क्या करते हैं, टी मॉडल में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो जेड बाई टू हम लेफ्ट साइड रखते हैं, जेड बाई टू राइट साइड रखते हैं और बीच में कैपेसिटर रखते हैं, दैट इज अ वैल्यू एडमिटेंस जिसका है वाई है, ठीक है। तो इस तरह का हम मॉडल जो क्रिएट करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का उसको हम लोग बोलते हैं टी मॉडल। और इस टी मॉडल का आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आप टू पोर्ट नेटवर्क पढ़े हो, नेटवर्क थ्योरी के क्रैश कोर्स को आप अच्छे से पढ़े हो, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए मैं आपको निकाल के इसका दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो हमको क्या चाहिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट का रिलेशन चाहिए, किसके बीच में, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट, मतलब एबीसीडी पैरामीटर हमको इस टी मॉडल का निकालना है। तो यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं पहले। तो केवीएल अगर हम अप्लाई करेंगे तो वीएस इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, आईएस इंटू जेड बाई टू प्लस वी1। यहाँ का वोल्टेज, नोड वोल्टेज अगर हम V1 मानते हैं तो इसके अक्रॉस हमको V1 मिलेगा। इसमें आप कब केवीएल अप्लाई करो, आईएस इंटू जेड बाई टू प्लस V1। और देखो V1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें KVL अप्लाई करें तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा IR इंटू जेड बाई टू प्लस VR, ठीक है। यहां पे आप KVL अप्लाई करो, माइनस V1 प्लस IR इंटू जेड बाई टू प्लस VR इज इक्वल टू जीरो। तो V1 इज इक्वल टू IR इंटू जेड बाई टू प्लस VR। तो V1 को हम ऐसे हटा सकते हैं, IR इंटू जेड बाई टू प्लस VR, ठीक है। तो यहां से आपको फाइनली क्या आएगा, दैट इज वी आर प्लस आई आर इंटू जेड बाई टू प्लस आई एस इंटू जेड बाई टू, ये हुआ वी एस का इक्वेशन। उसी तरह से आप एट नोड वी वन यहां पे केसीएल लगाइए। तो यहां पे अगर आप केसीएल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी। मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो IC है, तो IR प्लस IC, और IC को हम क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू वाई, V1 अपॉन उसका आपका एडमिटेंस, इम्पिडेंस होगा, इम्पिडेंस को हम ऊपर ले जाएंगे तो V1 इंटू वाई। तो इसको आप और मैनिपुलेट कीजिए, V1 को हम ये लिख सकते हैं IR इंटू जेड बाई टू प्लस VR, ठीक है। तो यहां से आप IR कॉमन लो तो 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू आई आर प्लस वाई इंटू वी आर, दिस इज आई एस। तो आपको फाइनली आई एस जो मिला दैट इज वाई इंटू वी आर प्लस 1 प्लस वाई जेड बाई टू इंटू आई आर, ये कुछ मिला। तो यही तो आपका सी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी,
आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, तो सी और डी पता चल गया। अब देखो इस आई एस को अगर आप इसमें पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको वी एस के फॉर्म में भी आ जाएगा। कैसे, आप पुट कीजिए, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका वी आर प्लस आई आर इंटू जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू आई एस की वैल्यू कितनी है, वाई वी आर प्लस वन प्लस वाई जेड बाई टू इंटू आई आर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से देखिए, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, वी आर को आप कॉमन लीजिए तो वन प्लस जेड वाई बाई टू इंटू वी आर प्लस आई आर को कॉमन लीजिए, तो आई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका जेड बाई टू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आएगा, अगेन जेड बाई टू, ये बाहर का जेड बाई टू इसके साथ, तो यहाँ से हम जेड बाई टू ये लिखें, फिर यहाँ से जेड बाई टू आएगा, जेड बाई टू लिख दिए, उसके बाद आपका एक और आएगा दैट इज वाई जेड स्क्वायर बाई फोर, राइट। तो इसको आप पूरा कंप्लीट करोगे, तो कंप्लीट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसकी इस जगह पे, तो यहाँ पे देखिए वी एस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, वी आर वाला तो डायरेक्ट मिल गया, वन प्लस वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस आई आर का, देखो यहाँ से जेड बाई टू, जेड बाई टू जेड होगा और जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर बाई फोर, तो जेड हम कॉमन ले सकते हैं, तो वन प्लस वाई जेड बाई फोर इंटू आई आर, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो और ए बी सी डी पैरामीटर आपका एक बार पता चल गया तो सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करेंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करेंट सब चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देखे थे कि फेरेंटी इफेक्ट नहीं हो रहा था अगर हम सीरीज नेटवर्क ले रहे हैं, तो फेरेंटी इफेक्ट क्या था कि अंडर लोडिंग, अंडर लाइटली लोड या नो लोड कंडीशन आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज में क्या आ रहा है। तो अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी आप इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में देखिए ए बी सी डी, राइट, ये हमका हमारा क्या आ रहा है, वन प्लस वाई जेड बाई टू, जेड इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर, यहाँ पे वाई आ रहा था, यहाँ पे वन प्लस वाई जेड बाई टू आ रहा था, ऐसा ही कुछ था। अब अगर हमको लिखना हो वी एस इज इक्वल टू क्या, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई जेड बाई टू इंटू वी आर प्लस जेड इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर इंटू आई आर। अब देखो क्या हो रहा है, अंडर लाइटली लोड या नो लोड आप बोलो, तो अंडर लाइटली लोड मतलब कि आई आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो है, या फिर नो लोड की बात करें तो नो लोड में आई आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस केस में आपका वी आर की वैल्यू क्या आएगी, वी आर की वैल्यू होगी वी एस अपॉन वन प्लस वाई जेड बाई टू, राइट। अब देखो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ग्रेटर देन वन है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रेटर देन वन नहीं है। अगर आप y की वैल्यू z की वैल्यू डिवाइडेड बाई टू करके, आप पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, विथ एंगल आएगा, तो जब विथ एंगल इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो लेस देन वन आएगा। हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे तब समझ में आएगा, लेस देन वन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीविंग एंड वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज इन केस ऑफ लाइटली लोड और नो लोड। तो लाइटली लोड और नो लोड के केस में आप देख रहे हो रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज आ रहा है, दैट मींस इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, अंडर लाइटली लोड या फिर नो लोड केस में जब रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाता है उसको हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज द फेरेंटी इफेक्ट। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट आपको दिख रहा है, वही अगर आप देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको नहीं दिख रहा था। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ वैल्यू जो सी का वैल्यू था वो क्या था, जीरो था। तो सी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो आपका कोई भी चार्जिंग करंट नहीं होगा। आपको अगर मैं चार्जिंग करंट की बात करूँ तो यहाँ देखिए चार्जिंग करंट कुछ ना कुछ आएगा अंडर
नो लोड कंडीशन, मतलब कि IS इज इक्वल टू यहाँ पे CVR प्लस DIR लिखते हैं, राइट। तो अगर आपका IR इज इक्वल टू जीरो हो गया तब भी आपको सोर्स करेंट इज इक्वल टू CVR मिल रहा है, मतलब कि सोर्स से कुछ आपका करंट सप्लाई हो रहा है, रिसीविंग एंड पे करंट जीरो है तब भी करंट सप्लाई हो रहा है, दैट करंट विल चार्ज द कैपेसिटर। ये चार्ज होता नहीं है, इसको कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, नोन एज चार्जिंग करंट, लाइन चार्जिंग करंट के नाम से जानते हैं। तो वहां पे लाइन चार्जिंग करंट जीरो था इसलिए कोई फ्रेंटी इफेक्ट नहीं हो रहा था, कैपेसिटर का कोई रोल था नहीं। यहां पे देखिए जैसे ही आपका फ्रेंटी इफेक्ट हो रहा है और लाइन चार्ज हो रहा है तो उस केस में अंडर लाइटली लोड या नो लोड कंडीशन आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स हो, एक बार मैट्रिक्स आपका बन गया उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब याद रखना जरूरी है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। अगर ये ध्यान में है तो उसके बाद वैल्यू पुट करके जो भी आपसे बोला जा रहा है वो निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो टी मॉडल में इतना आप याद रखो, और फेरेंटी इफेक्ट क्यों हो रहा है ये भी ध्यान रखो, फेरेंटी इफेक्ट होने का रीजन क्या है। देखो IR इज इक्वल टू जीरो कर रहे हो तो VS ग्रेटर देन VR हो जा रहा है क्योंकि A की वैल्यू जो है वो लेस देन वन है, ये जो है वैल्यू ऑफ A इज लेस देन वन यहां पे, तभी तो रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप देखो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ए की वैल्यू क्या होती है, वन, तो वहां सेंडिंग एंड इज इक्वल टू रिसीविंग एंड हो सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता है। उसका रीजन दूसरा भी होता है कि लाइन चार्जिंग करंट वहां जीरो होता है क्योंकि सी की वैल्यू शॉर्ट में जीरो होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इसी में अब दूसरा मॉडल है, दैट इज द पाई मॉडल, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर स्विच करेंगे, ओके। तो ये एक नॉर्मल पाई मॉडल में मैं कन्वर्ट किया हूँ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को। इसमें देखो, इसमें हम लोग जो पैरेलल ब्रांच है उसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, वाई बाई टू और वाई बाई टू से, और सीरीज जो है वो सीरीज इंपीडेंस ही होता है, तो ये पाई की तरह दिख रहा है तो हम पाई मॉडल इसको बोलते हैं। अब इसमें भी हमको सेम ABCD पैरामीटर निकाल के उसका कुछ देखना है, ABCD टू पोर्ट नेटवर्क कैसा बनता है। तो आप देखो इसमें भी आप इजीली निकाल सकते हो, इस पर नोड वोल्टेज क्या है, दैट इज VS, इस पर नोड वोल्टेज क्या है, दैट इज VR, यहाँ पे करंट IR है और यहाँ पे करंट क्या है, IS। तो यहाँ देखिए इस जगह पे वोल्टेज क्या है, VS, अगर आपको नेटवर्क आता है तो आप इजीली कर सकते हो ये सारा चीज। इस जगह पे आपका वोल्टेज कितना है, VR, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस VS प्लस यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो करंट, मान लीजिए वो करंट है I1 इंटू जेड प्लस VR इज इक्वल टू जीरो। तो VS को हम क्या लिख सकते हैं, I1 into Z plus VR, बस नेटवर्क है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो I1 की वैल्यू अब क्या होगी, देखिए I1 की वैल्यू को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं IR, और इधर जो करंट जाएगा मान लीजिए IC2, और इधर जो करंट आ रहा है वो IC1 है, तो IC2, तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, IR प्लस IC2 into Z plus VR, राइट। अब IR को हम क्या लिखेंगे, IR को तो ऐसे ही IR रहने दीजिए, IR into Z, IC2 को क्या लिख सकते हैं, VR multiplied by Y by 2, और ये Z बाहर था तो Z से मल्टीप्लाई हो गया प्लस VR। तो यहां से फाइनली हमको VS जो मिलेगा दैट इज 1 प्लस YZ by 2 into VR प्लस IR into Z, तो यही तो हमारा A है और यही हमारा बी है, ठीक है। तो ए बी तो हम निकाल लिए, उसी हिसाब से आप ये भी निकाल सकते हो सोर्स करंट के बीच का क्या है। तो IS को आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, KCL अप्लाई करो इस नोड पे, यहाँ पे अगर KCL अप्लाई करोगे तो IS इज इक्वल टू I1 प्लस IC1 होगा, ठीक है। अब I1 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रिप्लेस किए थे, I1 इज इक्वल टू IR प्लस IC2, IR प्लस IC2 प्लस IC1। अब देखो IR तो IR ही रहने देंगे, IC2 किधर है, यहाँ पे VR मल्टीप्लाइड बाई Y by 2 प्लस IC1 क्या लिख सकते हैं, VS मल्टीप्लाइड बाई Y by 2। तो यहाँ पे हमको मिला IR प्लस VR Y by 2 प्लस Y by 2, VS को आप मैनिपुलेट कर दो, तो VS का हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 प्लस YZ by 2 into VR प्लस
आई आर इंटू जेड, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पे निकालोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, आई थिंक, चलिए देखते हैं, हमको याद तो नहीं है, डिराइव करते हैं। तो आई आर यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ आई आर मिल रहा है, तो आई आर तो आप कॉमन ले लो, तो आपको मिल गया वन प्लस यहाँ पे वाई जेड बाई टू, ये आई आर आ गया। और वी आर क्या आएगा, वाई इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर। तो फाइनली आपका सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर वी आर प्लस वन प्लस वाई जेड बाई टू आई आर। तो C की वैल्यू ये हो गई और D की वैल्यू ये हो गई। तो सेम यहाँ पे भी आप देखो, फेरेंटी इफेक्ट होगा, लाइन चार्जिंग करंट आपको मिलेगा। लाइन चार्जिंग करंट क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका शंट ब्रांच है, तो जब भी आपका IR लोड कनेक्ट नहीं करो तब भी सेंडिंग एंड करंट जो है इन दोनों कैपेसिटर को चार्ज करेगा। इसका मतलब क्या है, लाइन चार्जिंग करंट आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, फेरेंटी इफेक्ट भी यहाँ पे होगा। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, एट नो लोड या लाइटली लोड अगर आप IR इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो आपको VS और VR बीच में जो रिलेशन मिलेगा उससे अब VR is equal to निकालोगे VS upon 1 plus YZ by 2। अब ये आपको देखने में greater than 1 आ रहा है, लेकिन always ये less than 1 होगा। A की value कभी भी greater than 1 नहीं हो सकती, ठीक है। A आपका या तो 1 होगा नहीं तो less than 1 होगा। तो उस केस में आप देखोगे 1 हो सकती है greater than, वो डिपेंड करता है क्या वैल्यू है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर आपको लेस देन 1 ही मिलेगा। तो उस केस में आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट, जो मैं एक्सप्लेन आपको कर दिया हूँ। तो इसमें आप ओवरऑल ABCD मॉडल आप बना लो, इक्विवेलेंट पाई मॉडल और टी मॉडल का, तो आज का कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो सीखे हैं उसमें एक तो ABCD पैरामीटर निकालना सीखे हैं, और दूसरा फ्रेंटी इफेक्ट को एक्सप्लेन किए हैं, और लाइन चार्जिंग करंट को एक्सप्लेन किए हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लाइन चार्जिंग करंट होता नहीं था, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपको लाइन चार्जिंग करंट मिलेगा। तो आप ABCD पैरामीटर बना लीजिए। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपको लाइन चार्जिंग करंट मिलेगा, लॉन्ग में भी मिलेगा जो हम आगे देखने वाले हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी मिलेगा लेकिन शॉर्ट में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फ्रेंटी इफेक्ट आपको शॉर्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन मीडियम और लॉन्ग में फ्रेंटी इफेक्ट मिलेगा। तो अब आपसे कोई पूछे फ्रेंटी इफेक्ट क्या होता है, तो आप बता देना, एट नो लोड और लाइटली लोड कंडीशन द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज बिकॉज ऑफ द शंट ब्रांच, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर इज नोन एज फेरेंटी इफेक्ट। दिस फेनोमेनन इज नोन एज फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। तो इतना ही था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, कुछ खास नहीं था, बस आपका न्यूमेरिकल मैं जब कराऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल को हैंडल करते हैं। तो शॉर्ट खत्म हो गया, मीडियम खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दैट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का थ्योरेटिकल पोर्सन, और उसके बाद तीनों शॉर्ट मीडियम लॉन्ग तीनों का हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। 2-3 लेक्चर न्यूमेरिकल का मैं बनाऊंगा और उस तरह से ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर आपका खत्म हो जाएगा। तो जुड़ी रहिए जेनी के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट को, उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।